हेलो बच्चों, मैं करण आप सभी का केएमसी यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज मैं आपके 2020 मैथ्स एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डे टू के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन एमसीक्यू क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। देखिए बच्चों, आज भी हम आपके साथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एमसीक्यू वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है √5 -3 -2 इज। आपको ये बताना है कि अगर आप √5 -3 -2 को सॉल्व करेंगे तो ये रैशनल नंबर बनेगा, ये नेचुरल नंबर बनेगा, ये इक्वल टू 0 बनेगा या एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो आप सब बच्चों जानते हैं कि -3 और -2 तो -5 होता है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी आपको √5 किसी प्लस या माइनस के साथ मिलेगा, यानी कि एक इरेशनल नंबर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मिलेगा, तो वो हमेशा ही एक कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के। आपको दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 7/20 × 25, बी ए रैशनल नंबर, या आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है। Then x has decimal expansion. x की जो decimal expansion है वो कितने places के बाद terminate होगी? 4 places के बाद होगी, 2 places के बाद होगी, 3 places के बाद होगी या 5 places के बाद होगी? तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं इस तरह के questions करने के लिए आप इसके denominator के factor बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/20 × 20 × 25। अब जब आप 20 के factor बनाएंगे तो सबसे पहले 2 पे कटेगा, 2 पे ये चला जाएगा 10 पे, फिर अगेन 2 पे जाएगा 2 × 5, और लास्ट में ये जाएगा 5 पे। यानी कि आपने इस 20 के फैक्टर बनाए 2 × 2 × 5, और आप इसको लिख सकते हैं 7/2। कितनी बार आया? 2 बार आया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5, मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 25 सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 × 5 = 25, और फिर जाएगा 5 × 1। यानी कि आप लिखेंगे 25 को 5 की पावर 2। अब आप ये देखिए बच्चों कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 क्या बन जाएगा? सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये बन जाएगा 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 अपनी जगह पे रहेगा और ये बन गया 5 की पावर 3। बस हमें यहीं तक सॉल्व करना है बच्चों। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होता है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये 3 बड़ा नंबर है। इसका मतलब है 3 प्लेसेस के बाद आपका ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, लिखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/72 × 175 इज। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कैसा नंबर आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा या एन इरेशनल नंबर आएगा? तो देखिए बच्चों, आपको एमसीक्यू के ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। आप लोग जानते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनके आगे नॉन रिकरिंग नंबर लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो सेम है। इरेशनल नंबर भी तो वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिकरिंग होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तो आंसर नहीं हो सकता और ना ही ऑप्शन नंबर डी हो सकता। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इनमें से ही कोई एक हमारा आंसर होगा। तो आप इस पहले रैशनल नंबर को सोल्व करें थोड़ा। हम यहाँ लिख लेते हैं 63/72 × 175। अब देखिए बच्चों, मुझे थोड़े बहुत टेबल आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी आते होंगे। आप इसको 9 से काट दें तो ये कट जाएगा 9 × 7, ये कट जाएगा 9 × 8। अब इसके बाद आप इसको 7 से काट दें, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 3 बचेगा, 3 और 5 = 35 आता है 5 पे। आपके पास आया 8 और 25, और ऊपर की वैल्यू है 1 1/8 × 25। अगर आप इनके फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ, आपको इसकी डेसिमल फॉर्म नहीं निकालनी। सर क्यों नहीं निकालनी? देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, आपको बस इतने तक ही सोल्व करना होता है, और आप इनके फैक्टर से ही पहचान सकते हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर आपके फैक्टर में 2 और 5 आते हैं, 2 और 5 आते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है। दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास 2 और 5 ही हैं, और 2 और 5 होने की वजह से जो हमारा ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक कर देंगे टर्मिनेटिंग पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 9696। आपको HCF और LCM दो नंबर्स का हमें नहीं पता वो कौन से नंबर है, हमें उन दो नंबर्स के HCF और LCM दिए गए हैं 4 and 9696। फिर आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। अब यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला काम करेगा जो आपने NCERT में पढ़ा था। आपने NCERT में ये पढ़ा था बच्चों कि A मल्टीप्लाई B, अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है इन्हीं के HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के। तो आप देखिए, आपको HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है, और आपके पास HCF गिवन है 4 और LCM गिवन है 9696। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप ऐसी गलती मत करना। हम आपको हर क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, तो इस क्वेश्चन की भी आपके साथ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी जाएगी। और वो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आप इसके ऑप्शंस देखिए, आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा है 9696, 24242, 38784, 4848। आप इनकी यूनिक डिजिट देखो, लास्ट की डिजिट देखो क्या है 6, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है 4, यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है 8। चारों ही ऑप्शंस की लास्ट डिजिट डिफरेंट है एक दूसरे से। इसका मतलब आप बस इसके लास्ट डिजिट का नंबर निकाल लो और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट का नंबर निकालने के लिए आपको इन तीन डिजिट की जरूरत नहीं है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24। 24 की लास्ट डिजिट क्या है 4 है। तो जिस भी ऑप्शन में लास्ट डिजिट 4 है वही आपका आंसर है। तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, एक बेकार सा क्वेश्चन आ गया। 2+√3+√5 इस दो रूट के नंबर हैं जो प्लस नहीं हो सकते। अगर ये दो रूट के नंबर इरेशनल नंबर हैं तो इसका आंसर भी इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 6th क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले ये इक्वेशन नोट कर लें, तो आप इक्वेशन नोट करेंगे तो लिखेंगे 9/7³ मल्टीप्लाई 49/81^2x-6 इज इक्वल टू 7/9^9। अब आप ये देखिए बच्चों, आपके जो ये क्वेश्चन के अंदर डिजिट्स चल रही हैं वो 9 और 7 की टर्म्स में चल रही हैं, 7, 9। बस एक यही सेकंड वाली डिजिट है जहाँ पे 49 और 81 दिया गया है, और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसको भी 7 और 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये जानते हैं हम इस 49 को 7^2 लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 7^2। हम 81 को 9^2 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 9^2। ये लगाया हमने ब्रैकेट और ऊपर वाली पावर लगा दी सेम 2x-6। इसको भी हमने यहाँ पे सेम रिपीट कर दिया, 9/7^3 इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास 7/9^9। अब आप ये देखिए बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर टर्म्स दी गई हैं उसके अंदर ज़्यादातर टर्म्स में 7 न्यूमरेटर में है, ये भी 7 न्यूमरेटर में है, ये वाला भी 7 न्यूमरेटर में है, बस यहाँ पे ही 7 डिनोमिनेटर में है। तो आप इस डिनोमिनेटर वाले 7 को न्यूमरेटर में ले आओ, और आप अगर इस वाले 7 को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो लिखोगे 7/9। लेकिन बच्चों होगा क्या, इससे ये जो 3 प्लस में दे रखा है हमें ये हो जाएगा माइनस में मल्टीप्लाई बाय। अब आप देखिए 7/9 लिख दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 2 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आने के बाद ये जो पावर है 2x-6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2x-6 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7/9^9। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड होती है, यानी कि -3 में प्लस होगा 2x-6, और ये इक्वल किसके जाएगा, इस वाली पावर के 9 के। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कहेंगे सर देखो जो -3 है वो यहाँ पे जाके +3 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 9+3 और ये बन जाएगा 9+3 12। अब आप इसको सोल्व करिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12। फिर यहाँ पे लिखोगे 4x-12, ये जो -12 है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 12+12, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 4x। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिखोगे 4x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जहां पे भी आपके ऑप्शन में 6 गिवन है उस ऑप्शन को टिक कर दें और आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 6 हमें गिवन है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया।
इसके बाद क्वेश्चन सेवन देखिए बच्चों, आपको दिया गया है द नंबर 0.211211241 इज ए डैश। आपको बताना है कि ये जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है वो इन चारों में से किसको सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है लगातार। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा। सी से मैच क्यों करेगा, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3 1 है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 4 1 है, इसी तरह आगे 5 1 आएंगे, फिर 6 1 आएंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सातवें का आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको लिखा है m की पावर n इक्वल टू 32, m की पावर n इक्वल टू 32 वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। ये जो m और n दिया गया है आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि n की पावर mn क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तो m और n निकालना पड़ेगा क्या होगा। तो देखिए हम इस वाली इक्वेशन को जो हमें यूजफुल लग रही है इसको नोट करेंगे पहले। तो हमें दिया गया है एम एन इज इक्वल टू 32, आप इस 32 के फैक्टर बनाइए। तो सभी बच्चे कहेंगे सर जब आप 32 के फैक्टर बनाएंगे तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 लिखने का मतलब है बच्चों जो m की वैल्यू है वो 2 हो गई, कंपेयर करा हमने, m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई, तो n इक्वल टू 5 लिख दिया हमने। इसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था n की पावर mn, हमें फाइंड करना है n की पावर mn। तो आप यहाँ लिख दो n कितना है, n है 5, तो 5 m इंटू n, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 कितना होता है, सभी कह रहे हैं 10 होता है, तो 5 की पावर 10 आपका आंसर है। 5 की पावर 10 देखिए कहाँ है, 5 की पावर 10 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, आपको दिया गया है द नंबर 0.57 इन पी बाई क्यू। आपको बताना है 0.57 के ऊपर बार दी गई है, ये अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, और वो शॉर्ट ट्रिक इस तरह से थी, अगर आपको 0.6 बार को पी बाई क्यू में लिखना है तो आप ये 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन डिवाइड में इस बार होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे 10 - 1 कर देंगे, तो ये बनेगा 6/9। इसी तरह आपको बताया था अगर आपको 0.63 बार की पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है तो 63 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था 100 लेकिन बार की वजह से माइनस कर देंगे 1, तो इसका आंसर बनेगा 63/99, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.57 बार, अगर हमें 0.57 बार की पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है तो 57 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब पॉइंट हटेगा तो बार होने की वजह से 100 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 99 आएगा, तो 57/99 ऑप्शन नंबर बी में है। अगर बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यानी कि डे 1 वाली वीडियो आप देखिए, जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड करी थी, उसके अंदर आपको ये मैंने प्रोसेस सिखा रखा है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है द नंबर 0.57 बार, 5 के ऊपर बार नहीं है इस बार, 7 के ऊपर बार है इन पी बाई क्यू। अगर हम इसको पी बाई क्यू में लिखें तो ये क्या बनेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए बच्चों जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना है, और वो ध्यान इस चीज का रखना है, आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर, जो हमें गिवन नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे नॉन बार नंबर, जिस पे बार नहीं लगी होगी उसको माइनस करेंगे नॉन बार नंबर, तो हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके लिए यहाँ लिखेंगे राइट, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा राइट 9। आपको यहाँ पे एक तो 9 लिखना पड़ेगा, और ये 9 कितनी बार लिखेंगे, 9 हम उतनी बार लिखेंगे जितनी बार आपके बार वाले नंबर आ रहे हैं, तो राइट 9 इक्वल टू नंबर ऑफ बार डिजिट, यानी कि बार वाली डिजिट कितनी बार आ रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक और चीज लिखनी होती है 0, आपको यहाँ पे 0 को भी लिखना है, और 0 को कितनी बार लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन बार डिजिट, आपके पास नॉन बार डिजिट जितनी है उतने 0 लगाएंगे, और आपके पास बार डिजिट जितनी है उतने 9 लगाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये बना बच्चों अगर आपको 0.63 बार, 3 के ऊपर बार है, और आपको इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है, तो आप इसकी पी बाई क्यू फॉर्म कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, गिवन नंबर में माइनस करना है नॉन बार नंबर, गिवन नंबर है 63,
माइनस कर देंगे, नोन बार नंबर है ये 6, तो माइनस करेंगे 6 डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये बताइए 9 लिखना है और 0 लिखना है, 9 कितनी बार लिखना है, जितनी बार बार डिजिट आएगी, तो बार डिजिट एक ही बार आ रही है तो एक ही बार 9 आएगा। अब आप यहाँ देखिए 0 लिखना है, 0 कितनी बार लिखना है, जितनी बार नोन बार डिजिट आ रही है, तो नोन बार डिजिट कितनी बार आ रही है यहाँ पे, एक ही बार आ रही है सिर्फ 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 अपॉन में आएगा 90। 63 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7, यहाँ पे 5, 57 अपॉन 90 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर आपको 0.54 बार लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, गिवन नंबर है 54 तो 54 लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे नॉन बार नंबर, तो नॉन बार नंबर कितना है 5 है, तो माइनस 5 करेंगे डिवाइडेड बाय, राइट 9 इक्वल टू नंबर ऑफ बार डिजिट, बार डिजिट कितनी बार आ रही है, बार डिजिट आ रही है एक बार, तो उतनी बार 9 आएंगे, फिर 0 लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट यानी कि 5, एक ही है इसके अंदर तो एक ही 0 लगा देंगे। 54 में से जब 5 माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 49 अपॉन 90, तो यही आपके इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको दिया गया है 0.57 बार, तो आप इसको लिखेंगे 57 गिवन नंबर माइनस नॉन बार नंबर, कौन सा है नॉन बार नंबर है 5, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय, राइट 9 नंबर ऑफ बार डिजिट, बार डिजिट कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे, बार डिजिट आ रहा है एक ही बार, तो डिवाइड बाय 9, फिर 0 कितनी बार लगाएंगे नंबर ऑफ नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट कितनी बार आ रही है एक बार आ रही है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, ये यहाँ पे 9 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 57 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 52 अपॉन में 90, 52 अपॉन 90 को 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 26 अपॉन में 45, यानी कि आपके 0.57 की जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो कितनी है 26 अपॉन में 45 है, तो आप देखिए 26 अपॉन 45 कहाँ है, ए ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपके पास दिया गया है इफ पी इज ए प्राइम नंबर, अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स के स्क्वायर, पी जो है वो के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो आपको बताना है पी डिवाइड्स, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपके जब आप इरेशनल नंबर प्रूफ करते हो उस टॉपिक से है, जब आप इरेशनल नंबर प्रूफ करते हो बच्चों तो उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, इफ पी डिवाइड्स के स्क्वायर देन पी डिवाइड्स व्हाट, पी डिवाइड्स होता है के, तो के कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आज हमने एमसीक्यू वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करी है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एमसीक्यू वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे इसके डे 3 की वीडियो में।